कलाम है गालिब का, गुनगुनाया इसको कई शोर कई गुलुकारों ने कई बार, मगर रिसेंटली इसको अली ज़फ़र ने भी पढ़ा। हम आजकल मौशी निज़ाम में और इकनॉमिक्स में और मॉनेटरी गेंस लेने के लिए, यूटिलिटी मेजरमेंट्स के लिए इतने ज़्यादा फंस चुके हैं कि हम शायद अमूमन जान भी नहीं पाते कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। वो हैडिगर कहते हैं कि हम जीना भूल गए हैं, हम सांस ले रहे हैं मगर हम जीना भूल गए, वी स्टॉप लिविंग एक्चुअली। और इस ज़माने में जब सबसे पहले मईशत डिफ़ाइन करती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, कौन सा फ़ोन होने के बाद, कौन सा मोबाइल फ़ोन आपके पास होने के बाद आपको खुश होना चाहिए और किसके बगैर आपको खुश कभी नहीं होना चाहिए, और वो सब बातें को एक बड़े पैमाने पे चैलेंज किया गालिब ने। और गालिब ने क्या खूबसूरत बात की, गालिब ने छोटी सी बात सबके सामने रखी कि जी ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए। कि मैं अमूमन बस यही सोचता रहता हूँ कि ये कायनात चलती रहे, लोग आ जा रहे हों, ये सारी बसेस टैक्सीज लोग अपने ऑफिस वगैरह सब के लिए जा रहे हैं, और मैं सिर्फ यूं ऐसे करके दूर अपने महबूब को बस देखता जाऊं और उसका तसव्वुर जहन में रखे और कुछ भी ना सोचूं, बस उसका मेरे जहन का मौजू, मेरे जहन का सब्जेक्ट सिर्फ मेरा यार हो जाए। इसको मुख्तलिफ शोरा ने, जैसे जॉन इसे सहने ख्याल यार कहते थे, या हवेली थी, एक हवेली थी दिल मोहल्ले में, तो ऐसे गालिब कहते थे कि बस सारा दिन मैं ज़िंदगी की तमाम ताकतें अपने महबूब को अपने जहन का मौजू बनाने पे लगा दूँ और ऐसी फुर्सत मिले। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि अब्बा जान जब बचपन में कहते थे मैं शाम में आके तुम लोगों को प्ले लैंड लेके जाऊँगा, तो शाम नहीं आती थी। अब मैं पूरे हफ्ते के अंदर एक लम्हा ढूंढता हूँ जहाँ पर मैं कम अज़ कम खुर्रम से मिल सकूँ। तो सच में जी ढूंढता है जी फिर वही फुर्सत के रात दिन बैठे रहें तसव्वुरे जाना क्यों है। गुनगुना रहे हैं अली ज़फ़र कलाम।